तो गैस मैदान में काफी तेज हवा चलने के वजह से लगता है नहीं उड़ पा रहा है, नीचे उड़े ऊपर गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस तुम्हारा भाई ने फिर से खरीद लिया एक ड्रोन। तो गाइस पहले भी मैं एक ड्रोन खरीदा था लेकिन उसको उड़ा के मजा नहीं आया क्योंकि अच्छा? एक बार थ्रोटल देने के बाद वो ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आया। 3 दिन बाद में ढूंढ के मिला। तो इस बार मैंने सोचा कि उससे भी महंगा खरीदता हूँ, उसका बाद में उड़ा के थोड़ा मजा आएगा। तो गाइस मुझे ये ड्रोन उड़ाने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने लिया उसको लेकिन उड़ा नहीं पाया। तो इसलिए मैं फिर दोबारा मंगाया महंगा वाला। तो अभी गाइस इसको उड़ा के देखूंगा कैसा है। तो सबसे पहले अच्छा? इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, उसका बाद देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका बैग देख सकते हो गाइस, काफी जबरदस्त बैग दिया है इसको कैरी करने के लिए। तो गाइस बैग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अभी इसका देखते क्या क्या है। तो बैग को पहले ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस बैग हो गया हमारा ओपन और यहाँ पे देख सकते हो रिमोट और यहाँ पे ड्रोन। तो सबसे पहले सबको बाहर निकल लेता हूँ, उसका बाद एक एक चीज करके सबको सब बताऊंगा, ठीक है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज लपड़ा हो गया। तो गाइस यहाँ पे ना डुअल बैटरी था लेकिन सिंगल बैटरी आया इसके साथ एक ही, और एक यहाँ पे बैटरी होना चाहिए था लेकिन बैटरी की जगह में तो ये क्या भर गया, बैटरी की जगह में तो गाइस यार लफड़ा कर दिया। तो चलो कोई नहीं, अभी देखते। तो बैग को रखते साइड में, काफी अच्छा लग रहा है बैग मुझे। तो गाइस बैग बहुत ज्यादा पसंद आया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये हेड्रोन है, रिमोट और ये कुछ मैनुअल यूजर है और यहाँ पे पैकेट में कुछ है। तो गाइस सबसे पहले इस पैकेट में क्या क्या देखते है, ठीक है। तो गाइज इस पैकेट में 4 पॉपुलर गार्ड है ताकि कहीं ड्रोन टकराने से उसको जो पॉपुलर पे हिट सेफ गार्ड दिया है, तो इसको साइड में रखते हैं। और एक यूएसबी केबल दिया है तो इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए, काफ़ी अच्छा है। और एक्स्ट्रा 4 पॉपुलर दिया है यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर कहीं आपकी टूट जाने के बाद वो इसको रिपेयर कर सकते हो, नया लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा है, तो इसको साइड में रखते हैं। और एक स्क्रू ड्राइवर है इसको रिपेयर करने के लिए, इसका जो स्क्रू है इसको खोलने के लिए लगाने के लिए, सही है। और ये कुछ पेपर, इसका जो एप्लीकेशन यूजर गाइड। तो गाइज इसमें जो स्कैनर दिया है तो इसको स्कैन करने के बाद मोबाइल पे आपको ऐप मिलेगा, तो उस ऐप को ओपन करने के बाद आप कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका वीडियो क्वालिटी कैसे और कैमरा कैसे है तो उसको सब बताऊंगा इस वीडियो में, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं। और ये जो पेपर है ये यूज़र मैनुअल है, तो इसको ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है सब, यहाँ पे जितने भी रिमोट में बटन्स वगैरह है इसके बारे में इसके अंदर डिटेल्स है, तो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो गाइस पहले तो इस ड्रोन फोल्डेबल ड्रोन है, काफ़ी अच्छा है। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, छोटा बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है, देख सकते हो। आगे के साइड में एक कैमरा है और नीचे भी एक कैमरा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लेखा है 4K का कैमरा है लेकिन देखेंगे एक 4K पे शूट होते क्या पे शूट होते देखेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले इसको साइड में रखते हैं। तो गाइस पहले तो इसका रिमोट का जो फंक्शन है यहाँ पे इस सब के बटन के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके बताऊंगा सब, ठीक है। तो ये इसका एंटेना जो इससे होते है और ये दोनों लीवर है, ये थ्रोटल है, इसको या इसको ऊपर की तरफ खींचने से पावर मिलते तो उसके बाद ये फ्लाई होते है, ठीक है। और ये है स्टीयरिंग बार, इसको आगे तरफ करने से ड्रोन आगे जाएगा, पीछे करने से पीछे जाएगा, राइट करने से राइट जाएगा, लेफ्ट करने से लेफ्ट, ठीक है। और भी बाकी सारे बटन ये सब क्या काम किए तो पहले बटन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला बटन है पावर स्विच, इसको प्रेस करने से ये पावर ऑन होगा, ठीक है। और ये वाला जो स्विच है ये 1 की टेकअप, इसको एक बार प्रेस करने से ऑटोमेटिक टेकअप हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये वाला एक बार दबाने से 1 की रिटर्न लैंडिंग, ये 1 की लैंडिंग, ठीक है। और इस साइड में जो बटन दिया है, दो बटन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसको प्रेस करने से हेडलेस मोड, मतलब आपका ड्रोन कौन सी भी डायरेक्शन में हो तो आप इसको आगे करने से आगे जाएगा, पीछे करने से पीछे आएगा, राइट करने से राइट, लेफ्ट करने से लेफ्ट, ठीक है। और इसको लॉन्ग प्रेस करने से आप बाद आपका ड्रोन ऑटोमेटिक लैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है
इस साइड में जो इसमें लो हाई मीडियम स्प्रिट का ये बटन है, और इस साइड में जो है इस साइड का जो बूता में इसको दबाने से रोल होगा, घूमेगा ड्रोन। तो पता नहीं अभी ये सब वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है, तो उसका बाद में है। और अभी आते हैं कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे कैमरे का बटन नहीं दिया है फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप वाईफाई कैम ऐप है इसका। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसका अंदर तीन सेल लगते हैं, तो ये वाला सेल लगते हैं इसका अंदर तीन। तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गाइस रिमोट पे बैटरी लगा दिया, और यहाँ पे देख सकते हो ब्लू लाइट आ गया है, जल गया है। तो और इसका नीचे जो पीछे के साइड मोबाइल को आप इसका साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। और रिमोट ऑन हो चुका है, तो अभी ड्रोन को अनफोल्ड करता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये ड्रोन अनफोल्ड हो चुका है, तो देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ये पता नहीं उड़ेगा कि नहीं। तो पहले वाला तो भाई जबरदस्त उड़ता था, उड़ने के बाद वो लापता, वो वापस नहीं आता था, ठीक है। तो ये वाला देखता हूँ क्या होता है इसके साथ। तो ड्रोन का इसमें एक ही बैटरी दिया है, तो यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। तो गाइस ये है इसका बैटरी, और इसका बैटरी एमएच 1800 mAh का बैटरी है, लेकिन बैटरी काफ़ी छोटा है अंदर में, इसका जो कवर है काफ़ी बड़ा दिया, लेकिन इतना बड़ा बैटरी होने से तो फ्लाइंग टाइम ज़्यादा मिलता था, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे दो बैटरी दिखाया था, लेकिन एक ही बैटरी आया, चलो कोई नहीं। तो और ड्रोन का ऊपर साइड में एक पावर स्विच है, तो इसको प्रेस करने से ड्रोन का पावर ऑन हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो ड्रोन का पावर ऑन हो चुका है, और आगे दो इंडिकेटर है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे कि गाड़ी का हेडलाइट का जैसा लग रहा है भाई, जैसे कि रात का भी वीडियो शूट करने में गाइस पूरा 4K रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन पता नहीं अभी देखते। तो गाइस अभी इसका साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसका साथ इसको कनेक्ट करने के लिए इसको थ्रोटल का एक बार आगे की तरफ करके पीछे करना है। अरे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो गाइस ये कनेक्ट हो चुका है, तो अभी देखते इसका। तो गाइस देख सकते हो रिमोट का साथ एक कनेक्ट हो चुका है, तो अभी इसको बाहर लेके चलते हैं, और बाहर इसको फ्लाई करके देखते हैं कितना अच्छा उड़ते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे उड़ाते देखते हैं। गाइस इस ड्रोन को आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो, इसके लिए आपको, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है वाईफाई 4, ये वाला ये ऐप है इसका। तो आप ये ऐप ओपन हो रहा है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कैमरा जो कनेक्ट हो चुका है, और इस कैमरा का व्यू देख सकते हो, कैमरा क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, बहुत ख़राब है, देख सकते हो। पहले का ज़माने का जो कीपैड मोबाइल में जो कैमरा लगा हुआ था वही कैमरा है इसमें, देख सकते हो कैमरा का। तो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला वीडियो शूट का, तो यहाँ पे क्लिक करने से वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो कैमरा का लोगो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने से ये वाला पिक्चर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप फोटो वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो वीडियो में यहाँ पे कितने सारे फोटो लिया देख सकते हो। तो ये वाला कैमरा से फोटो लिया देख सकते हो, कैसे है कैमरा का क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। और मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड में आपको लीवर देखने को मिलेगा जॉयस्टिक, और इसको घुमाने से और यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिया है, ये वाला 360 का ये वाला लोगो है, और ये हेडलेस मोड का है, और ये सेटिंग क्या है ओपन नहीं हो रहा है, और ये वाला जायरो का शायद पता नहीं है, और ये वाला इसके 1 key टेक ऑफ, और ये वाला 1 key रिटर्न लैंडिंग, 1 key टेक ऑफ और 1 key लैंडिंग।
तो गाइस अभी इसको उड़ाने के लिए मैदान पे लेके आया और इसको ड्रोन को देखने के लिए देख कितना आदमी जमा हो गया और भी बच्चा बच्चा लोग आ रहा है देखो। तो गाइस ड्रोन देखने के लिए देखो कितना आदमी जमा हो गया इधर में। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ 1 2 3 ऊपर नहीं जाते, नीचे नीचे रहते, दो तीन फुट में रहते। लगता है इसमें कुछ गड़बड़ा गया। धूल साफा करता तो गैस मैदान में काफी तेज हवा चलने के वजह से लगता है नहीं उड़ पा रहा है, हवा ने इसको गिरा रहा है। तो अभी देखता हूँ क्या होता है। नीचे उड़े ऊपर ऊपर उठे ना क्या, अरे भारी है कैसे। तो गैस ये इतना खास नहीं है तो ऊपर नहीं जाता, वो इसका मतलब ये ज़्यादा भारी हो गया जैसे लग रहा है, तो मतलब ये कंट्रोलर नहीं होता है तो उल्टा पलटा जाता है, तो ये टिक्का हो गया, 10,000 रुपये नुकसान हो गया। ये काम नहीं है, बेकार का चीज़ है, मत खरीदो इसको। इसको खरीदने से 10,000 का चूना लग सकता है, तो अभी मेरा 10,000 का चूना लग गया है, तुम लोगों का चूना लगाने से बचा रहा हूँ।